Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. So today we are going to start our next topic of applied zoology, that is the epidemiology of diseases. In this chapter we are going to study our two topics, that is tuberculosis and another one is typhoid. So let me tell you that these two topics are very important, and tuberculosis is the most important one, and it has been seen in examination many of the time. So you will study it very carefully and will learn all the aspects of the these diseases. Now first talking about its history, एक और बात जो मुझे अभी ध्यान आ रही है कि this topic, that is tuberculosis, you have also studied in your previous class, that is the SEC, in case of the zoology major students. So the zoology major students, they can also consult their previous year books, that is the SEC book of the medical diagnostic for this topic, and the minor students can also take help of their friends for this topic. बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई है, लेकिन अगर कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा दी है आपकी एसएससी की बुक्स में जो लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है. सो एज यू नो द ट्यूबरक्लोसिस दैट इज कॉल्ड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड इट हैव बीन ओरिजिनेटेड अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन ईयर अगो. बहुत पहले ही इस बैक्टीरिया के बारे में जो था वो हमें पता नहीं था, बट ये जो डिजीज था वो बहुत पहले से हमारे आसपास जो था वो प्रिवेल कर रहा था. इफ यू टॉक अबाउट द इजिप्शियन मामीज विच आर अप्रोक्सीमेटली 4000 BC ओल्डर, उनमें भी ये चीजें जो है आपको बैक्टीरिया जो है वो देखने को मिला है. ऐसे आपको जो ऋग्वेदा उसमें भी इसकी बात की गई है, ठीक है. हिपोक्रेट्स, यू ऑल नो हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी जो है वो कुछ डिजीज की बात की है जो टीबी जैसा लग रहा था, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर दैट व्हाट द डिजीज इज, ठीक है. लोगों को इस डिजीज के बारे में पता तो था, लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी डिजीज होता कैसे. कई लोग सोचते थे ये जेनेटिक है या कुछ और इसके रीजन है. प्रॉपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो थी पहले नहीं थी. इफ यू टॉक अबाउट मिडल एजेस, दिस डिजीज वॉज कॉल्ड एज द स्क्रोफुला, एंड दिस डिजीज इफेक्टेड द सर्वाइकल लिम्फ नोड. और बहुत अलग अलग तरह के लोगों के मन में जो थी वो अलग अलग तरह के मिथ्स थे. सम पीपल इन इंग्लैंड एंड फ्रांस दे बिलीव दैट इट्स अ किंग्स इविल. किंग्स इविल क्यों बोला, क्योंकि उनको लगता था कि अगर रॉयल फैमिली का कोई आदमी उस किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको टच कर लेगा तो उसका ये डिजीज खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको किंग्स इविल कहा गया. ऐसे बहुत सारे और मिथ्स जो थे इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली द फेमस साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट कॉच, ही वॉज एबल टू आइसोलेट दिस बैक्टीरिया. उन्होंने इसको आइसोलेट कर लिया और अपने इसी काम के लिए ही गॉट द वेरी वेल नोन प्राइज, दैट इज द नोबल प्राइज इन मेडिसिन इन 1905, ठीक है. उसके साथ साथ ही फिर जब एक बार किसी चीज की डिस्कवरी हो जाती है तो उससे रिलेटेड बाकी साइंटिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं. तो उसके साथ साथ ही थोड़े टाइम बाद जो है वो BCG वैक्सीन भी आ गई, विच वॉज गिवन बाय अल्बर्ट काल्मेट एंड काल्मेग्यूरिन. ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे हमारे सामने आने लग गई. सो अगर हम आज की बात करते हैं बच्चों, सो इट इज द कमिटमेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव टू इरेडिकेट द टीबी बाय ईयर 2050. तो हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो ये जरूर होगा. तो आपने जब ये लेसन पढ़ना है और आपको लगे कि हमारे आसपास कोई भी ऐसा आदमी जिसको लग रहा है आपको कि ये प्रॉब्लम है, तो आपने उसके साथ ये जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि आज भी लोगों में इस डिजीज को लेके मन में ये मिथ्स हैं, ये भ्रांतियां हैं कि ये बड़ी शर्म की बात है, ये टीबी कैसे हो गया. लेकिन डिजीज किसी को भी हो सकता है, ठीक है. कोई भी डिजीज किसी को भी हो सकता है. वो नोइंगली अनोइंगली अगर आप किसी के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं जो डिजीज आदमी है, तो हमें ये डिजीज हो सकता है इफ वी हैव अवर वीक इम्यून सिस्टम और मैनी अदर फैक्टर्स may work behind this. So you can also help the society in eradication of this disease. So let's start with this. If we talk about classification, so the microbacterium, it is of two types, that is the typical and the atypical. The typical tuberculosis, that consists of the two types, that is the type 1, which is the tuberculosis which occur in human, whereas in case of type 2 is the bovine type of the tuberculosis which causes tuberculosis in cattle. Cattle में भी tuberculosis होता है, आपको पता ही है, ये चीज आप जानते हैं. और the second form is the atypical micro
bacteriosis. The atypical mycobacteriosis consists of a complex of the mycobacteriosis which causes this tuberculosis. It includes microbacterium, avium or marinum or fartium. ऐसे बहुत ये जो कुछ एक microbacterium है ये सारे के सारे जो है वो tuberculosis करते हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा important है that is your microbacterium tuberculosis. Now next is the types of tuberculosis, that is the on the basis of the location of this disease, it is being divided into two types, that is the pulmonary tuberculosis and the extra pulmonary tuberculosis. Now the pulmonary tuberculosis, jaise ki naam se hi pata lag raha hai, the pulmonary tuberculosis, it is the disease which affects the lungs. ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करता है आपका. पल्मोनरी वर्ड इज यूज फॉर द लंग्स. सो 85% ऑफ द केसेस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस दैट आर द पल्मोनरी. एक्स्ट्रा पल्मोनरी मींस व्हेन दिस डिजीज इज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बोन बॉडी. फॉर एग्जांपल इट अफेक्ट्स द बोन जॉइंट्स और द इंटेस्टाइनल रीजन और द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और इवन द CNS दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द रीनल और द जेनिटल ऑर्गन्स. व्हेन द bacteria is seen over there, it is called as the extra pulmonary tuberculosis. Now this is the diagram given in your book, that is the Truman's book, showing the ultra structure of the microbacterium tuberculosis. Let me tell you that the internal structure, jo internal structure hai iska microbacterium ka, wo bilkul simple hi hai, jaise aapka ek simple aapki baki ke baki jo prokaryotic bacteria hote hain. तो प्रोकैरियोट्स में यू ऑल नो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ओवर देयर एंड द न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म. और उसके बाद आपके मेसोसोम्स भी होते हैं, डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स. द राइबोसोम, द 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड 80s आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स. अब इसमें जो खास चीज है जो बाकी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में नहीं होती है वो खास चीज है इसकी सेल वॉल. तो थोड़ा सा सेल वॉल का जो डायग्राम है मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, लेकिन इसके पहले हम बाकी इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं. दिस बैक्टीरिया दैट इज दी अवर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज अ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया. मोटाइल नहीं है ये, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड. एज वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, मेनी ऑफ द बैक्टीरिया दे हैव द कैप्सूल ओवर देम. जब आपने पिछले साल जेनेटिक्स में कोर्स में पढ़ा था तो हमने रफ और स्मूथ जो बैक्टीरिया हमने किया था फॉर द स्टडी ऑफ द डीएनए, जो आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पे कैप्सूल जो था वो प्रेजेंट था बैक्टीरिया के ऊपर. तो ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया है इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, इट इज नॉन स्पोरिंग, दैट इज द स्पोर्स आर नॉट फॉर्म. इट इज अ एसिड फास्ट बैसिलाई. बैसिलाई यू ऑल नो बैसिलाई इज अ बैक्टीरिया विच इज स्लाइटली रॉड शेप. ठीक है, जो थोड़ा सा स्ट्रेट होते हैं या थोड़ा सा वो कर्व्ड होते हैं. ठीक है, तो एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं ये जो बैक्टीरिया है. इसमें खास बात क्या होती है कि दे आर नॉट इजिली डाइड, इनकी डाई करना भी इजी नहीं होता है और उसको डी स्टेन करना भी इजी नहीं होता है. ठीक है, तो हम जब डाई करते हैं तभी डिफरेंट डाइज को यूज करते हैं टू स्टेन द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. एंड इवन इफ वी डी डाई द, जब हम डाई को हटाते हैं तो वो भी इजिली नहीं होता है. इट इज नॉट इजी टू रिमूव द डाई. सो व्हेन वी रिमूव द डाई वी यूज द H2SO4. हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, लेकिन उसका भी जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर इजिली नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट दिस बैक्टीरिया इज फास्टर देन एसिड. सो फास्टर देन एसिड और इट इज मोर पोटेंट देन द एसिड, सो वी कॉल इट एज द एसिड फास्ट बैसिलाई. ये H2SO4 से भी फास्ट है क्योंकि उससे भी इसकी जो है वो डाई जो है वो इजिली रिमूव नहीं होती है. सो वी कॉल इट एज द एसिड फास्ट बैसिलाई. अनदर थिंग, दिस बैक्टीरिया हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द लेयर विच इज प्रेजेंट इन इट सेल वॉल एंड दैट इज द लेयर ऑफ द माइकोलिक एसिड. बहुत ज्यादा अमाउंट में माइकोलिक एसिड की लेयर जो है वो सब प्रेजेंट होती है विच मेक्स इट हाइड्रोफोबिक. और इस हाइड्रोफोबिक लेयर की वजह से ही, विच इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड, दिस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टू मेनी ऑफ द ड्रग्स. एंड दिस बैक्टीरिया इज अ वीकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. आपको पता है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं. सो दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नाउ इट मे बी स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर.
Now this is a rough diagram which I have made for you people so that you can understand the basic structure of this cell wall. बाकी चीजें सेम है बाकी बैक्टीरिया की तरह, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो स्पेसिफिक है. द सेल वॉल ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम दैट कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर. द इनर मोस्ट लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन यू ऑल नो इट इज अ फॉस्फोबायोलिपिड लेयर, जैसे कि सभी के सभी जो सेल्स होते हैं उनमें होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. नाउ दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज वॉट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड द रिजिडिटी ऑफ द बैक्टीरिया. प्रॉपर शेप और रिजिडिटी को बनाने के लिए जो लेयर यहां पे प्रेजेंट है दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन. नाउ द थर्ड लेयर, इज द अर्बिनोग्लाइकन लेयर. नाउ दिस अर्बिनोग्लाइकन लेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक लेयर द बैक्टीरिया इज एबल टू सर्वाइव इन द मैक्रोफेजेस. यू ऑल नो अवर डिफेंस सिस्टम, जब भी कोई बाहर से चीज आती है, कोई एंटीजन बाहर से आता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है. ठीक है, सो द मैक्रोफेजेस आर अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो मैक्रोफेजेस जो है जब वो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं तो इस बैक्टीरिया को मारने से बचाएगा कौन, ये अल्बिनोग्लाइकन लेयर. एंड द लास्ट लेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइकोलिक एसिड लेयर. दिस थिक माइकोलिक एसिड लेयर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया मेक दिस बैक्टीरिया हाइड्रोफोबिक एंड द विरुलेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो ड्यू टू दिस. ठीक है, ये जो माइकोलिक एसिड है लेयर है इसकी वजह से ही इसके ऊपर बहुत सारे ड्रग्स का जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है. सो दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ द सेल वॉल ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द causes of infection, that how we get infected. Man to man infection, you all know, if we are in direct contact with the person who is suffering from tuberculosis, so through droplets or splitting or sneezing or talking very close to the person, we can also get infected with the tuberculosis. Next is the cattle to the man. Intake of the milk or meat. Milk or meat, agar aap milk ya meat dono hi चीजों में से कोई एक चीज किसी इन्फेक्टेड केटल से आप लेते हैं, देन यू कैन ऑल्सो बी गेट इन्फेक्टेड विद द दिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. तो इसीलिए पहले जब लोग थे वो कच्चा दूध पी लेते थे अपने कैटल का, जो पालतू पशु होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि इफ योर केटल इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड यू टेक द मिल्क एज रॉ, यू कैन ऑल्सो बी गेट इन्फेक्टेड. सो ऑलवेज टेक मिल्क विच इज प्रॉपरली बॉइल्ड एंड properly cooked meat should be taken so that we can avoid this deadly disease. Now the another causes may be the poor socioeconomic status. When the people are living in unhygienic condition or the sanitary condition are not there good there, then people can, may also suffer from this disease. Then the persons who are suffering from HIV AIDS, जो लोगों का जिन लोगों को एड्स है, जिनका पहले इम्यून सिस्टम वीक है, दे कैन ऑल्सो बी गेट इन्फेक्टेड इजिली विद दिस डिजीज. ठीक है, ऐसे ही द पर्सन हु आर एक्सपोज टू सिलिका, द सिलिका विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल और सैंड, अगर फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं और वो सिलिका के कॉन्टेक्ट में रेगुलरली आते हैं, तो दे आर एट द रिस्क ऑफ दिस डिजीज टू बी कैच. ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कई बार जो है वो इस जो डिजीज को लोगों में जो है फैला सकते हैं. नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिटी, दैट हाउ डिजीज दिस अकर. आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम विच इज नॉट गिवन इन योर बुक. सो ये डायग्राम जो है वो आपने बच्चों को लर्न कर लेना है, इससे आपको इजिली जो है वो समझ आ जाएगा कि कैसे हमें जो है पैथोजेनेसिस इसकी करनी है. नाउ इन दिस इज द टीबी बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और अ पर्सन कफ्स और स्नीज एंड दिस बैक्टीरिया इज रिलीज इन द एनवायरमेंट आउटसाइड. ठीक है, अगर बाहर के आपके आसपास ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, देन यू इनहेल दिस बैक्टीरिया, आप उसको इनहेल कर लेते हैं और ये आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं. वैसे तो बहुत सारे जो हमारे ड्रॉपलेट्स या जो स्नीजिंग कोई और करता है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स या जो और भी इन्फेक्शन है वो हमारे ओरोनेजल ट्रैक तक जो है वो खत्म हो जाता है. लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया अगर आपके एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, यहां पर जो बैक्टीरिया है दे विल बी अटैक्ड बाय द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस व्हाट इज द वन ऑफ द सेल ऑफ योर इम्यून सिस्टम. जब हम इम्यूनोलॉजी करेंगे तो हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे.
वैसे तो आप जानते हैं मैक्रोफेजेस इज वन ऑफ द योर ब्लड सेल. सो मैक्रोफेजेस दैट एनगल्फ दिस टीबी बैक्टीरिया, ये टीबी बैक्टीरिया को जो है वो एनगल्फ कर लेंगे और इसको फिर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं बेटा ये टिपिकल सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं. यू हैव रेड अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स दैट लाइसोसोम्स हैव द लाइटिक एंजाइम्स. विद द हेल्प ऑफ दोज लाइटिक एंजाइम्स द मैक्रोफेजेस दैट ब्रेक्स द बैक्टीरिया इंटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है, अभी जो पीछे हमने अराबिनोग्लाइकन लेयर पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि अगर बैक्टीरिया यहां पे प्रेजेंट हो तो उसको जो है ये मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. ठीक है, तो कई बार ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्ट्रॉय कर देता है. अगर इन्फेक्शन हैवी हो या बैक्टीरिया ज्यादा क्वांटिटी में अंदर आ गया हो या इम्यून सिस्टम वीक हो तब भी जो है वो इन्फेक्शन इजिली हो जाता है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अलग तरह से काम करता है. ठीक है, उसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी या उसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो अलग अलग तरह की है, तो कई लोगों को जो है इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है. सपोज कि यहां पर जो है वो मैक्रोफेजेस ने बैक्टीरिया को जो है वो डिग्रेड कर दिया. ठीक है, इसको तोड़ दिया है, लाइसोसोम ने इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पीसेस में. नाउ दिस स्मॉल पीसेस और द डिग्रेडेड बैक्टीरिया इज नाउ प्रेजेंटेड टू द अनदर सेल. ये किसी और सेल को जो है वो प्रेजेंट होगा, किसी और सेल को प्रेजेंट होगा, और वो और सेल जो है वो कौन सा है आपका टी सेल. टी सेल्स एंड बी सेल्स दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स. दिस विल वी विल डिस्कस इन डिटेल इन केस ऑफ योर इम्यूनोलॉजी. अभी सिंपल से इतना ही कि ये जो मैक्रोफेज है वो अपने आप इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है, ये इन चीजों को जो है वो प्रेजेंट करेगा इसको टी सेल्स को. और टी सेल्स जो है वो अपने रिसेप्टर्स, हर सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स की मदद से इसको जो है वो पहचान लेगा कि दिस टाइप ऑफ द बैक्टीरियम. नाउ व्हेन दिस टी सेल दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मैक्रोफेज विच हैव द माइक्रो बैक्टीरियम ओवर इट्स सर्फेस दिस टी सेल्स गेट एक्टिवेटेड. राइट, आफ्टर एक्टिवेशन दिस टी सेल विल रिलीज टू टाइप्स ऑफ chemicals. One is the interleukins and another are the interferons. Now what are interleukins and interferon? ये थोड़ा आपने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में हम जो है वो आपके इम्यूनोलॉजी में करेंगे. ठीक है, सो अभी सिर्फ इतना ही कि ये टू तरह के सब्सटेंसेस रिलीज करता है, one is the interleukins and another are the interferons. Now these interleukins what they do, जो भी हमारा एल्वेलाई होगा जहां पे ये हमारे बैक्टीरिया आ चुके होंगे उसके आसपास जो भी ब्लड आपके ब्लड वेसल्स आसपास से जारी होगी तो वहां से ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स या कोई और लिम्फोसाइट्स को जो है वो एग्रीगेट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा. किसके आसपास इकट्ठा कर लेगा? उस एल्वेलाई के आसपास इकट्ठा कर लेगा जहां पर जो है आपका ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है. ठीक है, सो इट विल एग्रीगेट द मैक्रोफेजेस एंड द न्यूट्रोफिल्स वेयर द दिस बैक्टीरिया इज बिंग प्रेजेंट इन द नियर बाय साइट. ठीक है, तो यहां पर ये मैंने बनाया है, ये साइट वो बनाई है जहां पर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसके आसपास जो है हमारे जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो मैक्रोफेजेस जो है वो इसके बिल्कुल पास में आ जाएंगे, इनर लेयर बनाएंगे, दैट इज द सेंट्रल जोन बनाएंगे, और जो आपका आउटर जोन है, जो इसका बाहर का जोन है, दैट इज मेड बाय द न्यूट्रोफिल्स और द अदर टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स. सो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट नेक्स्ट केमिकल दैट इज रिलीज बाय द एक्टिवेटेड टी सेल्स इज द इंटरफेरॉन. नाउ दिस व्हाट दिस इंटरफेरॉन दे डू, यहां पर जो हमारे पास मैक्रोफेजेस आ चुके हैं बच्चों, वो मैक्रोफेजेस पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट बींग एक्टिवेटेड टिल. वो अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है तो उनको एक्टिवेटेड करने के लिए जो है वो इंटरफेरॉन्स हेल्प करेंगे. दे विल हेल्प फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस मैक्रोफेजेस. सो व्हेन दे एक्ट ऑन द इनएक्टिव मैक्रोफेजेस दे विल मेक दैट एक्टिव. ठीक है, तो यहां पर जो हमारे मैक्रोफेजेस आ चुके थे आपके, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में थे तो इस इंटरफेरॉन्स ने उनको एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, चाहे वो आपके मैक्रोफेजेस हो या आपके न्यूट्रोफिल्स हो, जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो एक और केमिकल रिलीज करेंगे कॉल्ड एज दी TNF, दैट इज दी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. ये चीजें आपकी बुक में नहीं दी है लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आएगा.
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये वो फैक्टर है विच कॉजेज द नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस किसी भी सेल को जो है वो नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देगा, उसकी डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। दिस विल बी रिलीज्ड एंड इट विल कॉज द डेथ ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। धीरे धीरे इनकी डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना, दिस स्ट्रक्चर विच हैव द लेजन इन बिटवीन, जहां पे आपके ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके बाहर आपके मैक्रोफेजेस हैं विच फॉर्म द सेंट्रल जोन, एंड देन द आउटर जोन विच हैव द न्यूट्रोफिल्स और द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल जोन। दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट हार्ड एंड इट इज कॉल्ड एज द हार्ड ट्यूबरकल। इसको हम हार्ड ट्यूबरकल कहते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मैंने क्या बोला कि ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जो वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। जब ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तो यहां के जो हमारे बीच के जो हमारे यहां जो बीच में जो केमिकल्स रिलीज होंगे उसकी वजह से इस एरिया की जो है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो रही है, इन सेल्स की जो है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो नेक्रोसिस फैक्टर्स हैं दे विल रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल, यहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बहुत कम कर देंगे, साथ में यहां का पीएच भी जो है वो काफी कम कर देंगे। तो पीएच कम होने से और ऑक्सीजन लेवल कम होने से यहां पर जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे जो है उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएंगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे, और साथ में ये जो आसपास का टिश्यू है इसकी भी जो है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आफ्टर दिस ये जो हार्ड पार्ट जब इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी तो ये थोड़ा सा क्या बन जाएगा, हार्ड की बजाय थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा एंड फॉर्म अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर इन बिटवीन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट ट्यूबरकल, इसी को हम जो है वो सॉफ्ट ट्यूबरकल बोलते हैं। और जिन बच्चों के पास मॉडर्न की बुक है वहां पर इसे ग्रेनुलोमा कहा गया। सो द ग्रेनुलोमा और द ट्यूबरकल बोथ आर द सेम थिंग्स। नाउ कमिंग टू द हार्ड एंड द सॉफ्ट ट्यूबरकल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने ग्राफिकल फॉर्म में भी यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, अगर आप देखें तो। नाउ दिस ग्राफिकल फॉर्म, द बैक्टीरिया दैट एंटर इन टू योर बॉडी बाय इनहेलेशन, देन दे विल एंटर योर लंग एल्वोलाई वेयर दे एंटर द मैक्रोफेजेस। द मैक्रोफेजेस डिग्रेड द बैक्टीरिया एंड रिप्रेजेंट दैम टू द टी सेल। ठीक है, जब वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब वो फर्दर रिएक्शन जो होगा। आफ्टर दिस द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स विल टेक्स प्लेस, देन द इंटरल्यूकिंस एंड इंटरफेरॉन्स विल बी रिलीज्ड एंड दे विल डू देयर डिसाइडेड वर्क एंड अल्टीमेटली देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल और ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेनुलोमा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्रेनुलोमा और द ट्यूबरकल विच इज गिवन इन योर मॉडर्न बुक। सो दिस इज द सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द मैक्रोफेजेस। सो हियर द मैक्रोफेजेस गिवन आर दी मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स। दिस मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मैक्रोफेजेस और वी कैन सिंपल कॉल देम एज दी जाइंट सेल्स। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस ही है बेसिकली आपके। इसके अलावा कुछ और सेल्स भी यहाँ पे होते हैं जिन्हें हम एपिथीलॉइड सेल्स बोलते हैं। सो दिस एपिथीलॉइड सेल्स आर ऑल्सो मैक्रोफेजेस विच लुक लाइक द एपिथीलियल सेल्स। सो दिस इज the inner part, that is the inner part of your hard tubercle, and the outer part of hard tubercle that also consists of the other types of the cells. Now the soft tubercle, jab is hard tubercle mein necrosis hona start ho jata hai to ye soft tubercle ban jata hai. To soft tubercle mein kya hoga, there will be aggregation of the neutrophils, न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पे नेक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। विद द नेक्रोसिस देर विल बी लो कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड लो पीएच विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटी। कैविटी सी बन जाएगी और आपका जो निक्रोटिक मटेरियल है दैट विल लिक्विफाई। लिक्विफाई होने के बाद इट विल फॉर्म अ लेजन, वो लेजन की फिर हीलिंग होगी और फिर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक ऐसे हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो और आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो तो वी विल नॉट हैव टू फेस द टीबी। बट इफ अवर मैक्रोफेजेस दे डोंट गेट एक्टिवेटेड, ये सारा का सारा काम तब होगा अगर हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड नहीं होंगे देन वी हैव टू फेस द टिश्यू डैमेज रिस्पॉन्स। वॉट हैपन्स इन दिस नेक्रोटिक मटीरियल दैट लीक्स आउट, वो स्प्रेड करेगा आपकी पूरी बॉडी में, दैट विल स्प्रेड फ्रॉम द एयर वेज, जो आपका एल्वोलाई से आपके एयर वेज में एयर पैसेज में आ जाएगा
एंड इट विल बी ऑल्सो रिपोर्टेड इन योर स्पूटम। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर रिस्पॉन्स नेक्स्ट हो जाता तो इट इज कॉल्ड एज द टिश्यू डैमेज रिस्पॉन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफाइलेक्सिस। इसके अलावा ये जो आपकी एसएससी की बुक थी लास्ट ईयर की, इसमें दो तरह के आपके टीबी जो है वो बताया हुआ है, तो ये मैं माइनर के बच्चों को भी सेंड करूंगी बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। वन इज द टीबी डिजीज एंड अनदर इज द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो पैथोजेनेसिस में हम उसको स्टडी करते हैं अगर, तो हमारे दो तरह का टीबी होता है, जो टीबी डिजीज है, जो टीबी डिजीज है हमारे लंग्स में होगा, और ये इसमें क्या होगा, देर आर एक्टिव ट्यूबरकल, जो हमने अभी ट्यूबरकल पढ़े ये एक्टिव ट्यूबरकल्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वी हैव द इनएक्टिव ट्यूबरकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, ट्यूबरकल्स आर प्रेजेंट बट दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। नाउ इन केस ऑफ द टेस्ट, अभी मैं आपको टेस्ट बताऊंगी आगे कि कैसे हम टीबी को टेस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ टेस्ट हैं जैसे कि क्वांटिफिरोन है, गोल्ड टेस्ट है, अगर वो टीबी वाले इंडिविजुअल को आप करेंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे, जबकि लेटेंट टीबी वाले इंडिविजुअल को करेंगे तो तब भी वो क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो टीबी और लेटेंट टीबी में इतना फर्क है कि जो टीबी डिजीज जिनको होगा उनमें आपका बैसिलाय जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, जबकि जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ये जो बैक्टीरिया है दैट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सरे। द एक्सरे इज एबनॉर्मल इन केस ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी डिजीज, वेयर एज इट इज द नॉर्मल वन इन केस ऑफ द लेटेंट टीबी डिजीज। नो सिम्टम्स सच एज कफ, फीवर एंड वेट लॉस इज सीन इन केस ऑफ द टीबी डिजीज, वेयर एज दीज सिम्टम्स आर सीन इन केस ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द टीबी डिजीज। नो, इट इज अ केस ऑफ टीबी, जो टीबी डिजीज है हम कहते हैं दिस इज अ केस ऑफ टीबी, बट इन केस ऑफ द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वी डोंट कॉल इट एज अ केस ऑफ टीबी। क्यों? बिकॉज हियर द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव फॉर्म। नो डाउट कि बहुत चांसेस ऐसे हो भी सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% देर आर द चांसेस दैट द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मे बी कन्वर्टेड इन टू अ एक्टिव टीबी इन्फेक्शन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं करती है, बैक्टीरिया तो यहां पर भी प्रेजेंट है बट इट इज अंडर कंट्रोल, द इम्यून सिस्टम इज कैपेबल इनफ टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन केस ऑफ द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, बट इफ इट इज नॉट टू डू सो देन दिस लेटेंट टीबी दैट इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव टीबी डिजीज। सो दिस इज द लेटेंट एंड एक्टिव टीबी डिजीज। Now the next is the causes of infection. Causes of infection, that how TB is caused. So causes we have studied earlier. Now we'll discuss the prophylaxis, that how you can prevent the disease. First you have to isolate the person which is suffering from the disease, because the undue spitting or coughing or sneezing may spread the disease. A person who is suffering from TB should cover his mouth or with a tissue or with a मास्क। ठीक है, और अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें जो है वो स्नीजिंग या कफिंग करनी है तो अच्छे से अपने माउथ को और नोज को जो है वो कवर रखना है। यू शुड अवॉइड द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अदर पर्सन, ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से भी जो है वो जो टीबी है वो स्प्रेड हो जाता है। देर शुड बी हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन अगर होगी तब टीबी का जो स्प्रेड है वो बहुत आसानी से रोका जा सकता है। लोगों को आप जब लोगों के इस चीज की नॉलेज हो जाएगी कि हमें अनड्यू स्पिटिंग नहीं करनी है जिसमें कि जर्म्स होते हैं, इसके जर्म्स जो होते हैं वो काफी समय तक स्पिट में भी जो है वो सर्वाइव करते हैं अगर डायरेक्ट सनलाइट वहां नहीं पड़ती है। सो हमें जो है वो कुछ इस तरह की चीजों का अगर ध्यान में रखेंगे तो वी कैन अवॉइड दिस डेडली डिजीज। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द डे विच इज celebrated as the World TB Day, so it's on the 24th March. ये छोटी छोटी चीजें कई बार आपको one word में पूछ लेते हैं। 24th March every year is celebrated as the World TB Day. Now the next is the some vaccines. This BCG vaccine is a very important vaccine, that is the bacillus calmette-guerin, जो आपको मैंने शुरू में बताया कि ये किस तरह से जब थी वो invent हुई थी। This is a very effective disease and it is approximately 80% effective. ठीक है, तो ये डिजीज, ये जो आपकी वैक्सीन है ये बेसिकली करती क्या है, ये आपके मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ द मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तभी हमारा टीवी जो डिजीज है वो इजिली हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है
अगर ये इस वैक्सीन की मदद से अगर रिलीज होता है तो ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा इजी हो जाएगा. नेक्स्ट इज दी थेरेपिस्ट. सम कीमोथेरेपीज आर ऑल्सो समटाइम प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड सम ड्रग्स आर ऑल्सो देयर सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, आइसोएनजाइड्स, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस ड्रग्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी. तो एक सिंगल ड्रग जो है वो कई बार इफेक्टिव नहीं होती है. सो जो ज्यादातर केसेस में हम जो प्रेफर करते हैं दैट इज दी मल्टी ड्रग थेरेपी, दैट इज दी एमडीटी. एमडीटी मीन्स वी यूज्ड नंबर ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स. आप दो या तीन एंटी टीबी ड्रग्स जो वो यूज करते हैं कॉन्टिन्यूसली 6 to 7 मंथ्स तक आप यूज करेंगे तभी जो है वो हमारा जो टीबी है हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये डॉट्स आपको लास्ट टू लास्ट इसके वन वर्ड में पूछा व्हाट इज डॉट्स. डॉट्स इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्ट्रेटेजी. इसमें क्या होता है, इस स्ट्रेटेजी में जो आपका टीबी पेशेंट है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है. कोई हेल्थ वर्कर या कोई एनजीओस इसमें हेल्प करते हैं जिसमें कि जो आपका टीबी पेशेंट है उसको देखा जाता है कि वो अपनी दवाई ठीक से ले रहा है, टाइम टू टाइम दवाई उसकी जो है वो देखी जाती है, प्रॉपर उनका खाना हर चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है और कॉन्टिन्यूसली उनके स्पूटम की जो है वो जांच होती है, स्पूटम के टेस्ट होते हैं जिससे कि सिवियरिटी जो डिजीज की है वो कितनी कम हो रही है या बढ़ रही है उसको देखा जाता है. सो डॉट्स दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्ट्रेटेजी इज अ वेरी इफेक्टिव मेजर विच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट दिस डेडली डिजीज. टीबी का क्योर जो है बिल्कुल फ्री है हमारे यहां पर इंडिया में, टीबी का क्योर बिल्कुल फ्री है. सो सभी लोग जो है चाहे वो अमीर हो गरीब हो इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग that the National TB Control Program which was started in India in 1962. One more term is given here is the multi-drug resistant TB. Now what is MDR-TB? This MDR-TB jo hai, this is much more dangerous than the normal TB. Ek normal TB hai jisme aap koi treatment de rahe hain, dawai de rahe hain aur wo dheere dheere wo TB ke jo symptoms hai kam ho jate hain aur ultimately wo jo aapka patient hai wo theek ho jata hai. लेकिन ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है इसकी ये जो टीबी है ये तब होता है जब किसी पेशेंट को दो या दो से ज्यादा ड्रग्स का जो है इफेक्ट नहीं होता है. जो एंटी टीबी ड्रग्स आप यूज करते हैं एटलीस्ट दो, हमारे कम से कम दो ड्रग्स जो है वो काम ना करें. ठीक है. और आपको ज्यादा ड्रग्स जो है वो लेनी पड़े तो उस तरह के जो आपके टीबी है उसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं. तो इसमें यह होता है कि आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी कि आपको ये दवाई सूट नहीं कर रही है या ये नहीं कर रही है सूट या ये नहीं कर रही है, कौन सी दवाई जो है वो आपको सूट करेगी जिससे कि हमारा ये टीबी जो है वो क्योर हो जाए. तो इस केस में ये रिस्की भी है क्योंकि जब हम इतने सारे जो एंटी टीबी ड्रग्स जब यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं और इस केसेस में जो है वो टीबी का स्प्रेड जो है वो बहुत जल्दी से फैलता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो डिजीज है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है. आपकी जो मोस्ट इफेक्टिव दवाइयां हैं वो अगर काम नहीं कर रही हैं तो इस डिजीज का स्प्रेड होने का चांसेस जो है वो ज्यादा है. ठीक है. और बहुत सारे जगहों में जो है ये अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है फैला जा रहा है. ठीक है. सो इसका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है. यू ऑल नो दैट द डीएनए दैट में म्यूटेट इटसेल्फ और कोई आदमी जो है उसकी बॉडी में कई बार इम्यून सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से भी वो जो बैक्टीरिया है वो इजिली म्यूटेट कर लेता है और जो ड्रग है आपकी वो इजिली इफेक्ट नहीं करती है. सो आपको मैंने पहले बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें जो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस बैक्टीरिया. Why? Because इसके जो बाहर लेयर है जो आपको मैंने पहले बताया अगर आपको डायग्राम याद हो ये जो लेयर है आपकी माइकोलिक एसिड की ये एक हाईली हाइड्रोफोबिक लेयर बनाती है जिसकी वजह से बहुत सारी जो ड्रग्स है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है. बहुत थिक ये आपकी फैटी लेयर बनाती है दैट इज द माइकोलिक एसिड विच मेक्स मेनी ऑफ द ड्रग्स इनइफेक्टिव टू दिस बैक्टीरिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द symptoms. Sorry. If we talk about symptom of the diseases, the symptom may include the cough भी है, tiredness भी है, weight loss भी है, fever भी जो है वो constantly हमें आता रहता है. Weakness तो रहेगी लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो fever भी जो है वो देखने को मिलता है. Sweating बहुत होती है रात के समय especially जो है वो sweating बहुत सारे लोगों को होती है. ठीक है. Now next is the test. अगर हम test की बात करें बेटा
तो टेस्ट जो हम इसके लिए परफॉर्म करते हैं दैट इज योर ट्यूबरक्लिन टेस्ट। यानी आपको अलग अलग बुक्स से बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बुक्स में कई कुछ चीज अच्छी दी है, कई में कुछ अच्छी दी है। तो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द ट्यूबरक्लिन टेस्ट। ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो है इसमें हम पीपीटी दैट इज द पेट्रीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव जो है वो बैक्टीरिया से ही लेंगे, ठीक है, बोवीन बैक्टीरिया से लेंगे जो हमारी बॉडी के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हम उसे जो है वो इंजेक्ट करेंगे इंडिविजुअल में जो जो कि हमें लग रहा है कि ये टीबी का पेशेंट है। जब उसमें हम इंजेक्ट करेंगे तो आफ्टर 48 आवर्स अगर यहां पर रेड कलर आ जाता है, इस एरिया को हम ऐसे मार्क कर लेते हैं फिर पेंसिल से या पेन से मार्क कर लेते हैं कि यहां पर हमने कल इंजेक्शन लगाया था। विद इन 48 आवर्स हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं अगर यहां पे स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, सो हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द टीबी। दिस इज द ट्यूबरक्लिन टेस्ट और मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको। दिस स्वेलिंग और रेडनेस अकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस विच आर द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट ओवर द बॉडी ऑफ दिस पर्सन। ओके, वन मोर टॉपिक इज देयर एपिडेमोलॉजी, जो बीच में छूट गया था, ये भी आपने जरूर कर लेना है क्योंकि जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं कई बार वो भी 1 या 2 मार्क्स से पूछ लेते हैं, जैसे एक्सप्लेन द एपिडेमोलॉजी ऑफ टीबी, तो फिर आपका ये टॉपिक जो रह जाएगा, ठीक है। तो हर सब टॉपिक जो आपके मेन टॉपिक के अंदर दिए हैं वो आपने करने हैं। इफ यू टॉक अबाउट एपिडेमोलॉजी, इन इंडिया अप्रॉक्सिमेटली 3.3 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, सो दैट अप्रॉक्सिमेटली 2076,000 पीपल दे डाई एवरी ईयर इन इंडिया ड्यू टू टीबी, ठीक है। तो टीबी कितना ज्यादा प्रेवलेंट है हमारी कंट्री में, कितना ज्यादा एक्टिव है, यू कैन इमेजिन दिस फ्रॉम दिस डाटा। टीबी के जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो वही हैं विच हैव दी एचआईवी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेशेंट्स जिनको टीबी इजिली हो जाता है उसमें आएंगे, वो लोग जिनको डायबिटीज मेलिटस है या उनको कोई सिवियर किडनी डिजीज है या दे आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ल्यूकेमिया और कैंसर और दे हैव सम ऑर्गन ट्रांसप्लांट ड्यू टू विच दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंस। अगर इम्यूनो सप्रेसेंस आप लेंगे तो तब भी जो है वो आपको टीबी हो सकता है, या द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ऑटोइम्यून डिजीज जिनको होगा उनको भी टीबी जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा जो लेटेंट टीबी हमने पहले पढ़ा था वो लेटेंट टीबी भी कई बार जो है वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अलावा अगर बाकी कंट्रीज की बात करें जहां पे इन्फेक्शन टीबी का बहुत ज्यादा है, इट इंक्लूड्स चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, सो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हमें बहुत सारा एफर्ट करना है ताकि अप्रोक्सीमेटली 2050 तक जो है हम इस डिजीज से पूरी तरह से जो है वो अपनी कंट्री को फ्री कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट टीबी टीबी एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट टाइफाइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।